कनेडा जाने के इच्छुक लोगों लिए एक बहुत चंगी खबर है। VFS सेंटर के बारे एक वड्डी अपडेट सामने आई है। तुहानू दस दिए कि बहुत सारे लोग काफ़ी लंबे समय तो इंतजार कर रहे हैं कि बायोमैट्रिक्स कदों शुरू होंगे और VFS कदों खुलेंगे और होर कई सवाल लोगों के मन में चल रहे हैं। हूँ एक होर अपडेट हाई कमिशन ऑफ कनेडा इन इंडिया वालों VFS के बारे साझी की गई है। जिमें कि तुहानू पता है कि कुछ दिन पहला कनेडा वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर यानी कि VFS में पासपोर्ट सबमिशन सर्विस लई एक प्रोसैस की शुरुआत की गई सी। हूँ इस दे नाल जुड़िया अपडेट्स हाई कमिशन ऑफ कैनेडा इन इंडिया ने शेयर कीतिया ने। चलो आओ तुहानू दसदे हाँ कि आखिर की है नवी अपडेट। जिवें कि तुसी पहला ट्वीट अपनी स्क्रीन उपर देख पा रहे हो जिस विच हाई कमिशन वालों कहा गया है कि जिन्हां लोगों को पासपोर्ट रिक्वेस्ट लैटर IRCC तो मिलिया होया है वह VFS नाल पासपोर्ट सबमिशन @VFSHelpline.com ते टू वे कुरियर सर्विस कन्फर्म करने लिए कॉन्टैक्ट करन। दूसरे ट्वीट में हाई कमिशन ने कहा है कि वेरीफिकेशन लिए सबमिशन दौरान अपना यूनीक पासपोर्ट रिक्वेस्ट नंबर जरूर दें। तुहानू दस दिए कि यह यूनीक पासपोर्ट रिक्वेस्ट नंबर नाल प्रोसैसिंग में आसानी होंगी है और यह नंबर जदों तुहानू IRCC वालों पासपोर्ट रिक्वेस्ट लैटर आउंदा है तो उस उत्ते लिखा हुआ होंदा है और तुहानू सारी डिटेल्स भी उस लैटर उत्ते ही दसियां गई होंदिया ने कि तुसी किवें अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना है और कुरियर इंस्ट्रक्शन बारे भी उस लैटर उत्ते दसया गया होंदा है। हुण वधदे हां आखिरी ट्वीट वाल जिस विच हाई कमिशन ने कहा है कि अगर तुहानू पासपोर्ट रिक्वेस्ट लैटर हजे तक प्राप्त नहीं होया है तो असीं तुहानू रिक्वेस्ट करते हैं हाँ कि थोड़ा पेशेंस रखो, मतलब कि इंतजार करो। नाल ही हाई कमिशन ने कहा कि बिना पासपोर्ट रिक्वेस्ट लैटर वाले पासपोर्ट्स नूं वापस मोड़ दिता जाएगा वह भी बिना प्रोसैसिंग दे। इमीग्रेशन और देश दुनिया दी होर खबरों लई चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लवो, वीडियो नूं लाइक और शेयर करना ना भुल्यो। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर पंजाबी।